इस साल हमने 27वां एडिशन किया है इस टूर्नामेंट का, और सिल्वर जुबली भी हमने की थी तब राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जब मिनिस्टर थे वो आए थे हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट, एंड आज भी आप मेला देख ही रहे हैं। बहुत खूबसूरत समय है आज का, और हमारे मंजोत सर हैं ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस टूर्नामेंट के, और अब आगे सर बताएंगे। सर, ये बास्केटबॉल के लिए बच्चों को मैं रुझान लाना, ये कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि रुझान तो तभी आता है जब बच्चों को आप लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे कि उनको जो कंपटीशन का मौका मिलेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेंगे तो रुझान उनका अपने आप आएगा। क्योंकि बच्चे स्कूल में खेलते हैं और स्कूल में खेलते रहते हैं, कॉम्पिटिशन उनको कम मिलते हैं। तो पहले क्या था कि हम प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल के लिए मैचेस करते थे, लेकिन हमने इस साल सब जूनियर क्लास के बच्चे आते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया हमने। तो इस इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ कि जो तीन क्लासेस हमारी मिस हो रही थी जिनको मैचेस के अलावा टूर्नामेंट नहीं मिलते, हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 टीम रजिस्टर हुए हैं एज कैटेगरी मतलब अंडर। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ गया, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ गई, और बच्चों का इंटरेस्ट तभी होता है जब उनको आप खेलने को मौका देते हो। स्कूल में प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन उनको बच्चों को कॉम्पिटिशन करवाना पड़ता है, बच्चों को ले जाना पड़ता है कि तो प्रैक्टिस किस तरह करा रही है खेलने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे कॉम्पिटिटर्स और स्कूल के